बम से उड़ाने की धमकियों के चलते कैसे हो रहा है एयरलाइंस को घाटा। पिछले कुछ महीनों से देश में विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत के करीब 21 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। वहीं ओवरऑल देखें तो पिछले कुछ अरसे में करीब 40 विमानों को धमकियां दी जा चुकी हैं। हालांकि अभी तक किसी विमान में धमाका तो नहीं हुआ, लेकिन ये धमकियां आर्थिक रूप से नुकसान जरूर पहुंचा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक इंडियन एयरलाइंस को अब तक करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। अपने तय डेस्टिनेशन तक यात्रा करने में विमान का खर्च तय होता है, लेकिन इसमें किसी तरह का बदलाव होने पर इसमें इजाफा भी हो जाता है। ये रकम विमान के ईंधन, बिना शेड्यूल लैंडिंग, एयरपोर्ट के पार्किंग शुल्क और सुरक्षा उपायों पर खर्च हो जाता है। अब 14 अक्टूबर का ही उदाहरण लेते हैं। इस दिन एयर इंडिया का बोइंग 777 मुंबई से न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट जा रहा था। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद इसे बम से उड़ाने की धमकी मिल गई। नतीजा 200 पैसेंजर्स और 130 टन जेट फ्यूल से लदे विमान को दिल्ली डाइवर्ट कराना पड़ गया। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षित लैंडिंग करने के प्रयास में विमान को करीब 100 टन जेट फ्यूल जलाना पड़ गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोसीजर में ही एयरलाइंस को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ईंधन नष्ट होना एक बात है, लेकिन बिना शेड्यूल के लैंड होने के फीस, यात्रियों के ठहरने का इंतजाम, विमान का पार्किंग शुल्क और क्रू रिप्लेसमेंट इस खर्च को 3 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचा देता है। इसी तरह का मामला 15 अक्टूबर को भी देखने को मिला, जब एयर इंडिया का बोइंग 777 दिल्ली से शिकागो जा रहा था। अचानक बम की धमकी मिली और विमान को कनाडा में लैंड करवाना पड़ गया। इस विमान पर 200 से ज्यादा यात्री सवार थे। शिकागो पहुंचने से पहले तक विमान यहां पर 3 दिन से ज्यादा रुका था, जिसके बाद एयरलाइंस को कनाडा एयरफोर्स का विमान किराए पर लेना पड़ा और यात्रियों को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना पड़ा। ऐसे में एयरलाइंस का खर्च और भी ज्यादा बढ़ गया था। जानकारी के मुताबिक बोइंग 777 के एक दिन की रेंटल कॉस्ट 17 से लेकर $20,000 होती है। यूं तो अब बम की झूठी धमकियों से सरकार भी तंग आ चुकी है। इसको देखते हुए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने संकेत दिया है कि मंत्रालय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियमों के संशोधन में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। इस तरह के खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों की समीक्षा भी की जा रही है।